इरमा के कारण लगभग 45 लाख लोगों के घरों की बिजली कटी और लगभग 6000 गैसोलीन स्टेशन बंद हो गए। इरमा और हार्वे तूफान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़त आई है। शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत में पिछले दो महीनों में अधिकतम गिरावट आई थी। हार्वे के कारण गल्फ कोस्ट पर कच्चे तेल की आयात 1990 से अब तक के न्यूनतम स्तर पर चली गई। सिडनी के सीएमसी मार्केट्स के चीफ स्ट्रेटजिस्ट माइकल मैकार्थी का कहना है कि मार्केट फिर से सामान्य होकर कच्चे तेल की कीमत $50 पर बैरल के ऊपर आएगी, पर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। अब जैसे जैसे ये तूफान फ्लोरिडा के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है, लगभग $100 करोड़ के फसल के बर्बाद होने का खतरा बताया जा रहा है।